हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं ऋषभ और इस समय मैं हूं हिमाचल प्रदेश के किलोंग में। किलोंग आता है लाहौल एंड स्पीति ज़िले में और मनाली से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है और सिस्सू से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आप मनाली लेह वाले रास्ते पर आप जाएंगे तो इस रास्ते में किलोंग एक स्टॉप पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ आज सुबह ही आया था सिस्सू से और हमने बस स्टैंड के पास एक खारदौलिंग नाम का एक होटल है, उसमें सामने ही मतलब बस स्टैंड के वहाँ हमने मतलब रूम ले लिया है। और जो आपको बता दूं कि ये किलोंग है, इसकी समुद्र से ऊंचाई है 3440 मीटर की ऊंचाई पे, तो मतलब काफ़ी ठंडी जगह है। जहाँ से मैं आऊँ HRTC वाला नज़ारा दिखाई देता हूँ कुछ। ये है HRTC का बस अड्डा, यहाँ बसें दिख रही हैं आपकी। यहाँ से लेह के लिए बस जाती हैं और यहाँ से मनाली, चंडीगढ़, उदयपुर की तरफ बस जाती हैं। और ये ऊपर दिख रहे हैं आप, एक खूबसूरत बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ दिख रहे हो, नीचे हरियाली है। अब इस तरफ आपको नज़ारा दिखाई देता हूँ, ये इस तरफ कुछ ये ऐसा नज़ारा है। तो आज पूरा दिन हम किलोंग में ही रहने वाले हैं। ऐसा कुछ कोई जगह तो घूमने का मन नहीं है कि जाए। वैसे आप यहाँ से स्कूटी रेंट पे लेकर आप आगे जिसपा, बारा लाचा, सूरत ताल, इन जगहों पे जा सकते हैं। इसके अलावा पीछे एक तांडी नाम की जगह पड़ती है जहाँ चंद्रा और भागा नदी का संगम होता है, वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन हमारा तो ऐसा प्लान नहीं है कि उस जगह पर जाएँ। हम तो किलोंग में ही ऐसा ही हल्का पुल्ला टहलेंगे, बाज़ार जाएंगे, मार्केट देखेंगे और भी जो होगा बताता जाऊंगा। फिलहाल हमने रूम ले लिया, नहा धो के तैयार हो गए और लंबी यात्रा पर मतलब मैं कम से कम 15 दिन हो गए घूमते हुए। और रास्ते में आपको क्योंकि कपड़े गंदे होते हैं तो इनको भी धुलना होता है, तो आज सुबह आके सबसे पहले मैंने कपड़े धोए और ये कपड़े यहीं पे ये डाल दिए सूखने के लिए। यहाँ पे छत पे ही डाल दिए हैं क्योंकि वैसे लॉन्ड्री पे देने का ऑप्शन होता है पर ये इतनी रिमोट एरिया होता है तो हर जगह होता नहीं है, और जहाँ होता है तो वहाँ काफ़ी महंगा होता है, तो उससे अच्छा है कि खुद ही धो लो। तो मैंने वही किया, खुद ही धो लिया है। तो अब फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, कल जाते हैं कहीं नाश्ता मतलब खाना भी खाते हैं और घूमते हैं, टहलते हैं और इस छोटी सी जगह को इंजॉय करते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को वो रहता है कि कन्फ्यूज़न रहता है कि किलोंग में अच्छा नेटवर्क होगा कि नहीं होगा। मैं इस जगह पर अभी खड़ा हूँ और नेट भी बहुत अच्छा चल रहा है एयरटेल और जियो में, और फ़ोन भी अच्छे से हो रहा है, तो इंटरनेट में कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। और सिस्सू में भी दिक्कत नहीं थी, किलोंग में दिक्कत थी। अभी तक मैं जितनी हिमाचल में स्पीति भी गया हूँ तो वहाँ भी कोई नेटवर्क का इशू नहीं होता है, तो हिमाचल नेटवर्क के मामले में अच्छा है। तो आज पर फिलहाल यहाँ पे एयरटेल जियो का नेटवर्क अच्छा है, मेरे पास दोनों हैं, दोनों ही अच्छे चल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ के काम करना चाहते हैं तो वो सब भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, एक दिन में किलोंग में जो करूँगा वो आपको दिखाऊँगा। तो बस स्टैंड के पास ही हम एक रेस्टोरेंट पे आए हैं नाश्ता खाना खाने के लिए, तो मैंने मंगाया है थुक्पा, तो इसको खाएंगे फिर आगे बढ़ते हैं क्या क्या और किया जा सकता है, देखते हैं कैसा है। ढाबे पे थुक्पा खाने के बाद अब थोड़ी देर फिर उसके बाद मैंने रूम पे आराम किया जहाँ होटल में वहीं बस स्टैंड पे, और फिर एक बस आ रही थी मनाली की तरफ तो उससे बैठा तो यहाँ मार्केट आ गया हूँ। तो अभी किलोंग के मार्केट में थोड़ा ऐसे ही टहलने आया हूँ, कुछ खास कारण नहीं है, ऐसे ही टहलूँगा। और यहाँ से आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ कैसा है नज़ारा है। ये पूरा छोटी सी जगह दिख रही है और ये देख कितनी हरियाली है, मस्त शानदार, और वो उधर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये मार्केट है, इधर भी मार्केट है, तो यहीं चल रहे हैं मार्केट में, टहलते हैं थोड़ा, कोई मिठाई विठाई की दुकान मिल जाए थोड़ा मिठाई भी खा ली जाएगी यहाँ पे, या कुछ लोकल यहाँ का मिल जाएगा तो वो देखा जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं मार्केट में क्या क्या है। दरअसल अभी मैंने लोगों से पता किया तो जहाँ मैं पहले बोल रहा था मार्केट है, दरअसल ये मतलब रोड है, हाईवे टाइप आप कह सकते हैं, मार्केट नीचे है, तो मार्केट ही जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ से रास्ता है। आगे बोल रहे हैं कि एक सुमरीला गेस्ट हाउस है, उसके यहाँ से नीचे रास्ता गया है। तो ये बोर्ड लगा है पाइन कॉर्न गेस्ट हाउस का, यहीं से एक नीचे ये सीढ़ियाँ जा रही हैं
ये रास्ता जाता है मार्केट के लिए। तो अब ऊपर तो मतलब बहुत सारे होटल हैं और दुकानें हैं, मतलब ज़्यादा दुकान नहीं है, मतलब जो होटल आने जाने वाले लोगों के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं सुविधा वाली वही चीज़ें, मतलब खाने पीने की दुकानें हैं, होटल हैं, कैफे हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब नीचे जा रहे हैं मार्केट और देखते हैं कितनी देर में रोड से नीचे पैदल पैदल पहुंच पाते हैं वो मार्केट कैसा है किलोंग का। तो कुछ ही मिनट में चलने के बाद हम आ गए हैं, ये मार्केट जैसा कुछ लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पर ये है तो ये है कैनरा बैंक है यहाँ पे, ये इसका एटीएम है, एक एटीएम उधर दिख रहा है और इधर कुछ है कोई ऑफिस है। इधर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित बैंक है एक, इसके बगल में सेंट्रल बैंक है, ये मतलब बैंक ही बैंक हैं पूरे इस लाइन में। और इधर ईस्ट सेंट्रल बैंक है, इको बैंक है, ये सारे बैंक हैं। तो अभी तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दिया है, तो आगे चलते जाते हैं। और वैसे पहाड़ों में मार्केट छोटे ही छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते भी नहीं हैं। तो ये सब कम से कम यहाँ एटीएम है वही बहुत बड़ी बात है। ये क्या बना रहा है, केक है? हम अभी किलोंग मार्केट में ही हैं। किलोंग मार्केट में हम एक बेकरी की दुकान पे आए हैं। आपको पहले बेकरी की दिखा देता हूँ, बेकरी जो किलोंग की एकमात्र बेकरी है। और ये यहाँ पे जो भी सामान बनता है, बिस्किट केक, सब भट्टी से बनता है, कोई मशीन का काम नहीं है। तो आपको ये देख रहे हैं पूरा, ये सब रखे हैं, सब अंकल जी चलाते हैं और एक भैया हैं, ये दोनों चलाते हैं। तो यहाँ पे एक क्रीम रोल रखा है, बनर मिल रहा है, ये यहाँ का लोकल है, कुछ फैन है ना, क्या नाम था, ये फैन है, नमकीन होता है, खस्ते जैसा होता है, और ये मीठा बिस्किट है, और इधर एक केक है। हमने बेकरी से, जो यहाँ की लोकल बेकरी है, बिल्कुल पुरानी, एकदम पुराना स्ट्रक्चर टाइप बेकरी थी और भट्टी से सब सामान बनता था, उसमें से केक ले लिया है, पूरा पैकेट लिया है केक का, बिस्किट लिए हैं, क्रीम रोल लिए हैं, सब भट्टी से बने हैं, खाए नहीं है, रूम पे जाएंगे तब खाऊंगा। और उनका मतलब आप सोचिए, ये सब बाहर लूँगा तो कितना महंगा पड़ेगा, यहाँ सिर्फ पड़ा है 90 रुपये का। तो फिलहाल कुछ ये मार्केट है ऐसा है यहाँ पे, ये फिलहाल ये ऐसा मार्केट है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं अपने रूम की तरफ, मतलब बस स्टैंड की तरफ। तो आए तो ऊपर से थे, अब नीचे की तरफ से बस स्टैंड जाएंगे। यहाँ पे एक किलोंग के बारे में जानकारी दी गई, ग्राम पंचायत किलोंग, विकासखंड लाहौल, जिला लाहौल स्पीति, मुख्यालय से दूरी 500 मीटर, कुलावादी 1184, महिला 578, पुरुष 606 और साक्षर दर 90%। तो एक किलोंग के बारे में ग्राम पंचायत भवन पे जानकारी लिखी है, जैसे सब ग्राम पंचायत भवन पे लिखी होती है वैसी की। ये यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की दुकान है और यहाँ टेलर शॉप, और इस ऊपर तो होटल है ही, यहाँ भी छोटे हल्के फुलके होटल हैं। तो अगर सस्ते सस्ते में रहना चाहते हो तो बजट में आपको यहाँ पे होटल मिल जाएगा। तो शाम के समय 6:30 हो गया है टाइम, और हम फिर से एक बार किलोंग का मार्केट घूमने आ गए हैं जो नीचे की तरफ है। और हम इस जगह पे हैं, एक छोटी सी मोनेस्ट्री टाइप बना हुआ है, इस कुछ प्राचीन है, इस पे लिखा है पवित्र माने का शिलान्यास श्री वीरभद्र सिंह ने 16 अगस्त 2003 को किया था। तो ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, तो हम अंदर जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे दिया रखा हुआ है और यहाँ पे आकृति बनी हुई है, काफ़ी मतलब पेंटिंग बनी हुई है, अब पूरे कमरे में ये बना हुआ है, तो कुछ ऐसा ये दिखता है। तो मार्केट में हम एक मिठाई की दुकान पर रुके हैं, तो उस मिठाई की दुकान पर हमने नाश्ते के लिए एक लड्डू है, दाल, खोआ और कई मिक्स चीज़ हैं, और इधर ये समोसा और चटनी के साथ, मतलब छोले चने के साथ है। तो आप खाएँगे फिर आगे टहलने के लिए निकलेंगे।
लड्डू अच्छा है। रात के बज गए 8 और हम जिस होटल में ठहरे हुए हैं बस स्टैंड के पास, वहाँ अपने कमरे में वापस आ गए हैं बाज़ार को घूम के। तो किलोंग में आज तो ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस किसी जगह पे घूमने तो नहीं गए, पर किलोंग मार्केट पूरा घूमा, किलोंग को अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया, 2 बार मार्केट घूम के आ गया। तो किलोंग का जो ऊपर हाईवे है वो कुछ वहाँ से लगता है किलोंग छोटा है, लेकिन जब आप नीचे मार्केट घूमेंगे तब आपको पता चलता है किलोंग काफ़ी बड़ा है और मतलब ज़रूरत का हर सामान आपको उस मार्केट में मिल जाता है। तो भाई हमने मार्केट गए, वो पुरानी बेकरी भी देखी जो किलोंग में है और यही सब घूमते रहे और तो बाकी कुछ किया नहीं। कल हमें एक किलोंग से एक नई जगह पर निकलना है, एक लंबी यात्रा के लिए, एक नए राज्य की यात्रा के लिए। किलोंग की इस वीडियो में इतना ही, अब आपको मिलते हैं एक नई जगह के साथ, नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, हमारी इस यात्रा में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।